की कैसी धूप लगी कि मेरी आंखें ही नहीं खुल रही। बाय बाय, आ रहा ना पक्का। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिमाचली यूट्यूबर बीना बुशारी में। तो कैसे हैं आप सभी, हो बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो अपना हालचाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और तो चलिए ब्लॉगिंग शुरुआत हो रही है मेरे प्यार ऐसे छोटे से रूम से। और टाइम हो चुके हैं 9:30 के आसपास, तो अभी मैं ब्लॉगिंग शुरुआत कर रही हूँ। तो चलिए आज का ब्यूटीफुल सा वेदर दिखाते हैं। ब्यूटीफुल सा नहीं है क्योंकि मौसम ख़राब है, मतलब धूप नहीं खिली है, थोड़ी बहुत धूप खिली है। तो जैसा भी वेदर है वो आप सभी से शेयर करूँगी मैं आज का सैन बुशहर का। तो ये रहा आज का वेदर। देखिए क्लाउड्स कितने सारे हैं। बारह बजने वाले हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। अब बना लेती हूँ लंच। तो देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, अब दाल में लगा लेंगे तड़का। फिर मिलूँगी आपसे, फिर मिलूँगी क्योंकि कैमरा मैं टिका नहीं सकती, ये मेरा फ़ोन टिकता है नहीं। फिर भी देखती यहाँ पे टिकेगा या नहीं टिकेगा। तो चलिए तड़का लगा लेते हैं। मैंने प्याज काट के रखा है, राजमा की दाल बना लूँ मैं। देखने को मिलेगा मेरी वीडियो में कि मैं आज खाना जल्दी क्यों बना रही हूँ। और तो क्या, अभी टमाटर गलने देती हूँ ना। फिर टमाटर को राजमा की दाल बना रही हूँ मैं। टमाटर ना टाइम लगाते, पता नहीं क्यों गलने, मेरे को समझ ही नहीं आता है। तो चावल तो मैंने बना लिए थे पहले ही दाल तड़कने से पहले, क्योंकि मैंने दाल को अच्छे से पकने दिया, क्योंकि अगर राजमा की दाल अच्छे से पकती है ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है खाने में। और इसके बाद खाऊंगी मैं आप सभी को। मेरा मसाला तैयार हो गया है बनके। तो अभी ना मैं कैसे काला काला रहा है, तो अभी ना मैं बाहर आग वाली किचन की तरफ आई हूँ। तो आग वाली किचन की तरफ इसलिए आई क्योंकि आग में लगाई है मैंने दाल पकाने के लिए। तो दाल पक्के हो गई है, रेडी हो गई होनी शायद से। अब मैं ना उसे इस वाले किचन में ले जाती हूँ, यहाँ से खिड़की से अंदर भेजूँगी, आप सभी को भी दिखाऊँगी मैं। ये रहा कुकर, यहाँ देखो उसको ना मैं यहाँ से करूँगी अंदर की तरफ। तो चलिए कुकर पहुँचा दिया है अंदर वाली रसोई में, गैस वाली किचन की तरफ। और देखिए बस जाते हुए ए देरा। मैं ना परी परी जा रही थी, मेरे को तो याद ही नहीं। और तेरा ता गुलाम भी
ये मुंडा तू नवाब चेहा तेरी अख बनारसी। यार गाना गाने से भी कॉपीराइट आता हूँ ना, मुझे नहीं पता। तो आप सभी को मैं अपना मसाला दिखा देती हूँ, तो देखिए ये मेरी राजमा का मसाला तैयार हो गया। मसाला तैयार हो गया है मेरा, और जो एडजस्ट फैन होता है ना उसकी ज़्यादा आवाज़ आ रही है, क्योंकि अगर मैं इसको ऑन ही करती हूँ ना फिर खांसी हो जाती है बहुत। तो चलिए अब राजमा बना लेते हैं फटाफट से। पा रहा है क्या चलते हैं। मैंने ना कल के कपड़े वॉश किए थे आधे, तो मैंने ला लिए हैं। वैसे मैंने मशीन में ही सुखा दिए थे, बट फिर भी हवा देना ज़रूरी है। तो मैं अभी ना अभी चलते हैं ऊपर, कपड़े लाते हैं सारे क्योंकि सूख गए हैं और सड़क से धूल बहुत आती है। चलिए कपड़े। तो ये देखिए, ये मैंने कपड़े वॉश किए हुए, अब इनको निकाल देते हैं यहाँ से। ऐसा ना गाड़ी भी आ जाती पीछे से, फिर मुझे ना थोड़ा शर्म लगती है वीडियो बनाने में, तो पहले मैं कपड़े उतार देती हूँ। तो एक हाथ से फ़ोन पकड़ना और काम करना एक हाथ से बड़ा टफ काम है ये भी। तो चलिए पहले मैं कपड़े उतार देती हूँ सारे। तो ये देखिए कपड़े उठा दिए हैं मैंने, और जो ये आगे दिख रहे हैं ना आपको, ये अभी के वॉश किए हैं, तो इन्हें तो सूख नहीं रहे। मुझे ना कॉल आ रही है अभी, और मैं अपनी किचन वाली चप्पल लेके चली हूँ, ईश मैं भूल गई। तो भाई अभी मैं मस्त होके बैठी हूँ, मस्त होके मतलब मस्त होके, धूप तो लगी नहीं फिर भी मस्त होके बैठी हूँ। ओ प्रभु, मौसम खराब है कल दोबारा से, और देखिए दोबारा से चिड़िया बोलने लगी, किससे बात करती है पता नहीं। और ना मुझे फीलिंग आ रही है कि मुझे जुकाम लगने वाला है, और ना पता नहीं ऐसी कैसी धूप लगी कि मेरी आंखें ही नहीं खुल रही है। मतलब है तो सूरज भगवान भी नहीं दिख रहे, फिर भी मेरी ना आंखें ही नहीं खुल रही है अच्छे से। और ऑलमोस्ट मेरा खाना डन हो चुका है, तो अब खाना ही डन हो चुका है, बाकी टाणा नाणा बाकी बाद में मिलते हैं आप सभी से। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों का सस्पेंस खोल देते हैं। तो बता दूँ आप सभी को कि आज आए हैं मेरे घर वाले, तो पापा, छोटे पापा, नानू तो आ गए हैं, तो वो लोग बैठ गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ। दी आ रहे हैं, छोटी बहन आ रही है, और मम्मा आ रहे हैं। तो बस इसीलिए ही मैंने आज जल्दी खाना बनाया, और मैं इतना ज़्यादा हैप्पी हूँ कि पूछो मत। तो मैं आज बड़े दिनों बाद अपने पूरे फैमिली से मिल रही हूँ, और अपने छोटे भाई को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। वो भी लोहड़ी बोलती रहती हूँ हर बात पर, वो भी ना शिवरात्रि तक पहुँच जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं घर वालों से। ये देखो ये कौन है, ये मेरी मम्मा। नमस्ते मम्मी। ये देखिए मेरे घर कौन आया, मेरी मम्मी। पर दीदी नमस्ते, चरण वंदे, कैसी हैं आप? मैं भी प्रवेश। तो चलिए अभी चलते हैं गाड़ी के पास, और गाड़ी से कुछ सामान निकाल देते हैं। तेरी बारी। ओ महादेवा। मैं
बड़े दिनों बाद आज अपनी गाड़ी में बैठी हूँ। ये देखो, और मेरे को ना कुछ सामान निकालने के लिए भेजा है, तो मैं सामान निकाल देती हूँ पहले। ओ यार, खुल तो गई थी ट्रंक, या फिर क्यों नहीं खुली ये? तो और आप लोगों को मोटी खप तो ये सुना दूं, मैंने डिक्की खोली, डिक्की नहीं, मैंने तो भाई तेल वाली टंकी का ढक्कन खोल दिया। मैं अब गाड़ी का सब कुछ भूल गई हूँ और मेरे को ऐसी हंसी आ रही है, पूछो मत। तो हेलो एवरीवन, तो मैं बना रही हूँ अभी चाय। यार ऐसा कैसी आ रही है, एक तो ये लाइट पड़ रही है पापा, गाड़ी मोड़ दो भाई। तो अभी चल पड़े हैं घर वाले वापिस। ना आ रहा मुंह करने जोड़ा लाग तो अभी ना चलो ना। देखिए पापा और छोटे पापा गाड़ी लेने गए हैं और मम्मी यहाँ पे, आज मेरी पूरी फैमिली पहुँची है यहाँ पे। क्यों मामू आपकी गाड़ी दी बेशु आ रहा है ना, पक्का आ रहा, यही रहने आना स्पेशल। ठीक है, बाय बाय, चलो चलो घर जा दी, ठीक है बाय। राम को ना फोन करना, फोन आप ही करूँ बाकी। ठीक है बाय बाय, आ रहा ना पक्का। ये चला गए मेरे घर वाले, अब सासू माँ और मैं बच गए। तो बस इसी लिए मैं आज खाना थोड़ा जल्दी बना रही थी, क्योंकि मेरे घर वाले आ रहे क्या मतलब आए और अभी अभी चला गए। और आए इसीलिए क्योंकि हमारे बोलते हैं क्या बोलते हैं, हाँ जैसे लोहड़ी होती है ना, उसके बाद मतलब पानी में ही बोल देती हूँ कि मतलब कि टू लेके जाते हैं, तो मतलब वही सब कुछ समझो आप लोग, तो वही लेके आए हैं आज मेरे घर वाले। तो मैंने थोड़ा बहुत ही दिखाया, ज़्यादा नहीं दिखाया क्योंकि बिजी हो गई थी मैं चाय चूहे खाना खुना देने में ना, तो फिर मैंने ज़्यादा कैप्चर नहीं किया। और मेरे छोटे पापा और नानू मतलब उनके ससुर और पापा सब भी आए थे, तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी मतलब क्या खुश हूँ अभी तक बहुत ज़्यादा। और ये लोग भी चले गए, अब थोड़ा सा बुरा लग रहा है, काश मैं भी जाती, ऐसा लग पर जाऊँगी मैं, क्या बोलते उसको शिवरात्रि में जाऊँगी। और हाँ मतलब फिर टाइम नहीं था ना मम्मी पापा के पास, नहीं तो जो मेरे धर्म भाई है उनके घर भी जाना था, बट क्या बोलते उसको, तो अब मेरे को ही जाना पड़ेगा। उन्होंने कुछ सामान लाया ना उनके लिए भी, तो मतलब जब मेरे को लाते तो उनके लिए भी ज़रूर लेके आते हैं, तो बस अब मैं उस सामान को लेके ऊपर चलती हूँ और फिर देखते हैं क्या करती हूँ। और मैं बड़ा मतलब बड़ा ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गई आज मम्मी से मिली, बहुत टाइम बाद मिली। पापा वैसे भी थोड़ी थोड़ी मतलब, क्योंकि ये लोग भाई मतलब फिर ऐसे बिजी हो जाते हैं ना, फिर अच्छा नहीं लगता। बीच में कैमरा निकाला था, मैंने निकाला था कैमरा, अपना जैकेट ले लिया है और मैंने वो पहन लिया, और मैं चल पड़ी हूँ अपने धर्म भाई के घर। और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि पूरे घर वाले आ गए आज। बस अपने भाई को मिस करती हूँ थोड़ा, पर वो भी आ जाएगा, जब वो आता है तो मेरे पास ज़रूर आ जाता है। और हूँ ऊपर, तो फिर मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया ना, मम्मी से मिलाया, पापा वगैरह तो बैठे थे तो उनको सिर्फ मैंने जाते जाते दिखाया कि भाई हाँ मेरे घर कौन कौन आया, और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हस्बैंड नहीं थे क्योंकि उनको पता ही आपको कहाँ होते हो, तो बस मैं थी, सासू माँ, पिक दादा। तो फिर एक आदमी को ना भागम भाग हो जाता है अच्छे से, तो चलिए चलते हैं अब बहन से भाई की घर की तरफ और अपने ब्लॉग को भी करते हैं एंड। तो अपने ब्लॉग को भी यहीं एंड कर देती हूँ, यार हाथ दर्द होते। तो चलिए, जितना भी मेरा ये आज का व्लॉग है आप सभी को पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो कुछ भी बोल देती, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को कीजिए लाइक शेयर कमेंट, अगर चैनल पर न्यू विजिट करें तो चैनल को कीजिए प्लीज़ सब्सक्राइब। तो मिलती हूँ मैं आप सभी को एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।